तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हमने करना है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें जी इन्वेस्टमेंट कैरिड बाय कास्ट मेथड है, वो इक्विटी मेथड था, अब कास्ट मेथड के थ्रू करना है। अच्छा जी, इन दोनों को में डिफरेंस क्या है, इनकी एंट्री में लिटिल बिट चेंज है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12। अच्छा जी, चैप्टर 11 में क्या किया था जी, इक्विटी मेथड, इन्वेस्टमेंट थ्रू इक्विटी मेथड किया था जी। अच्छा जी, इनमें फ़र्क क्या होगा, चैप्टर 12 में अब क्या करना है, कास्ट मेथड। अच्छा जी, इक्विटी मेथड में प्रॉफिट रिकॉर्ड करने की एंट्री किया करते थे, क्या एंट्री थी जी, इन्वेस्टमेंट। इन कंपनी स्टॉक ऑन डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अच्छा, तो कास्ट मेथड में प्रॉफिट रिकॉर्ड करने की कोई एंट्री नहीं है, नो एंट्री। अच्छा जी, नेक्स्ट एंट्री जी लॉस की, लॉस की क्या एंट्री पास होती थी, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट और उसके बदले में जी क्रेडिट की करना इन्वेस्टमेंट। इन कंपनी स्टॉक, जेड़ी भी कंपनियों का नाम लिखना है और अमाउंट लिख देनी है, जितने से भी हैं, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी नो एंट्री, लॉस को भी रिकॉर्ड करने की नो एंट्री है। डिविडेंड, नेक्स्ट हेडिंग क्या है जी, डिविडेंड, डिविडेंड की क्या एंट्री थी जी, कैश अकाउंट डेबिट और उसके बदले इन्वेस्टमेंट। इन कंपनी स्टॉक, इसमें डिविडेंड की एंट्री पास करेगा, ये भी कॉस्ट मेथड में भी डिविडेंड की एंट्री लाजमी होगी, तो क्या होगी, वो भी सेम एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट। कंपनी स्टॉक, अच्छा जी ये लिटिल बिट फर्क है इसका एंट्री के लिहाज से, बाकी सारा सेम कंसेप्ट है वही। चलिए जी अब हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं, लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है और जो कुछ लिटिल बिट चेंज होगा वो क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1। चलिए एक्सरसाइज नंबर 1, चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। द हेल्पर को एंड जोरेम्स को ईच हैव 1000 शेयर ऑफ स्टॉक आउटस्टैंडिंग 100 पार। चेंज इन कैपिटल जनवरी 1 1966 टू 31 दिसंबर 1967 एज फॉलो। रिटेन अर्निंग डेफिसिट बैलेंस ऑन जनवरी 1 1966 का, हार्पर की 50,000 है और जोरोम की 20,000 डेफिसिट है रिटेन अर्निंग, और डिविडेंड पेड इन दिसंबर 1966 में डिविडेंड पे किया हार्पर ने किया, उसने नहीं पे किया। चलिए नेट इनकम दोनों की है अब,
एक ही 40,000, एक ही 15,000 है। डिविडेंड पेड इन दिसंबर, दिसंबर में हार्पर ने पे किया 10,000 और जोरम्स ने नहीं किया। उसके बाद जी नेट इनकम, इसका डेफिसिट है 10,000 हार्पर का और इसकी रिटेनर नेट इनकम है 20,000। छद्दी किंग कॉरपोरेशन एक्वायर्ड 800 शेयर ऑफ हार्पर कंपनी स्टॉक, 100 एंड 900 शेयर ऑफ जोरम्स कंपनी एंड 90 स्टॉक, जुलाई 1, 1966। अच्छा जी, आपने इसमें ज़्यादा जो फोकस करना वो डेट पे करना कि किस डेट को अक्वेयर किया है, क्योंकि इसमें आपने रिटेनर नहीं की कैलकुलेशन करनी होती है डेट, उस डेट के साथ। अच्छा जी, पार्ट ए में क्या, व्हाट इज़ द कॉस्ट और बुक वैल्यू एक्सेस इन ईच इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आप जी एक्सेस ऑफ कॉस्ट और बुक वैल्यू बताना। व्हाट एंट्री वुड बी मेड बाय द पेरेंट फॉर द प्रॉफिट लॉसेज एंड डिविडेंड ऑफ ईच ऑफ सब्सिडरी इफ इन्वेस्टमेंट आर कैरिड एट कॉस्ट। कॉस्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो तो जी एंट्री क्या पास होगी। उसके बाद व्हाट एंट्री वुड बी मेड इफ इन्वेस्टमेंट आर कैरिड बाय इक्विटी मेथड, अगर इक्विटी मेथड के हो थ्रू हो तो क्या एंट्री पास होगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, करना स्टार्ट क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। ये जी चैप्टर 12 है और एक्सरसाइज है फर्स्ट। इसमें हम करेंगे जी सबसे पहले क्या फाइंड करते जी, फर्स्ट स्टेप क्या था जी, ऑनरशिप इंटरेस्ट, परसेंटेज ऑफ ऑनरशिप। अच्छा जी, एक हार्पर थी और दूसरी जीरो जो भी थी नाम भी। नेक्स्ट इसमें क्या फाइंड करना है, ऑनरशिप इंटरेस्ट फाइंड करना है। इधर गया क्वेश्चन है। अच्छा स्टूडेंट, इसके कितने शेयर थे जी, 1,000 हर एक का शेयर था। टोटल कितने शेयर एक्वायर किए हैं जी, हार्पर के कितने एक्वायर हुए हैं जी, 800 डिवाइडेड बाय 1,000 मल्टीप्लाई 100 और इसके 900 सॉरी डिवाइडेड बाय 1,000 मल्टीप्लाई 100 80% इसका, इसका 90%। नेक्स्ट हम इसमें फाइंड करेंगे जी रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग जुलाई 1, 1966। अच्छा, सबसे पहले रिटेन अर्निंग 1-1 दोनों की फाइंड करेंगे जी, रिटेन अर्निंग 1-1, 1966 इसकी कितनी थी जी। इसकी कितने से थी, 50,000 थी, हार्पर की 50,000 थी और इसकी डेफिसिट थी 20,000। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें क्या जी फाइंड ऐड करेंगे, नेट इनकम अगर तो जुलाई 1 से पहले कोई डिविडेंड पे किया होता तो वो हम इसमें से लेस करते, अगर नहीं किया तो वो इग्नोर करेंगे अगर इसके बाद किया। अच्छा जी, ऐड नेट इनकम, नेट इनकम कितने से जी, 40,000 है, ऐड नेट इनकम सॉरी क्या ले लिखते हैं, फोर्टी थाउजेंड है नेट इनकम, ये
सॉरी ये 40,000 है, सॉरी ये 40,000 पूरे साल की है। तो हमने कब इक्वायर कंपनी की थी? 6 जुलाई, 1 जुलाई को तो 6 माह बनते हैं, 6 6 over 12 करेंगे तो इसका कितना आएगा जी? 20,000। नेक्स्ट इसका कितना जी? जरोम का कितना? 15,000 नेट इनकम है, 15,000 का 6 over 12 करेंगे तो ये 7,500। अच्छा जी, इसको ऐड किया तो 70,000 नेट इनकम, और इसको किया तो 20 में से 13,500 डेफिसिट, सॉरी 7 12,500। ये डेफिसिट है। अच्छा नेक्स्ट इसमें रिक्वायरमेंट हमारी मेन क्या थी? एक्सेस ऑफ कॉस्ट फाइंड करना है। लो जी, एक्सेस ऑफ कॉस्ट और बुक वैल्यू। अच्छा जी, कंपनी के नेम ऊपर ही लिखे हैं तो नेक्स्ट नीचे ही लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इतने से जी 8,000 शेयर थे, 800 शेयर थे, और मल्टीप्लाई 100 के हिसाब से ये 80,000, और उसके 900 शेयर थे और मल्टीप्लाई 90 के हिसाब से करना था तो ये 81,000। अच्छा लेस करेंगे बुक वैल्यू, बुक वैल्यू में सबसे पहले जी दो चीज़ें हैं, कैपिटल स्टॉक है और एक रिटेन। अच्छा जी कैपिटल स्टॉक कितने से है जी? इसका कैपिटल स्टॉक 1,000 शेयर था और 100 पार थी, 1,00,000 था, और रिटेन अर्निंग फर्स्ट की जो फाइंड की है 70,000, टोटल 1,70,000, और उसको इंटरेस्ट ऑनरशिप में इंटरेस्ट कितना है? 80% का 80% लेंगे, और इसका कैपिटल स्टॉक कितना है? 1,00,000, और रिटेन अर्निंग डेफिसिट है 12,500 से लेस करेंगे जी, ये आएगा जी 87,500। इसका 90% लेंगे, चलिए 170 का 80%, 1,36,000, और इधर 87,500 का 80%, 70,000। अच्छा जी इसका कितना आ गया जी? 70,000, 11,000, ये एक्सेस ऑफ कॉस्ट आ गया, सॉरी सॉरी इसका 80% ले लिया, 90% ले लिया, 87,500 का 90%, 78,750, 78,750। अच्छा जी उसे लेस करेंगे 81,000 माइनस आंसर 22,50, ये आता है जी 22,50। अच्छा जी इधर भी लेस करते हैं, 80 माइनस 136,056,000, ये एक्सेस ऑफ बुक है, और ये एक्सेस ऑफ कॉस्ट है। अच्छा जी नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? व्हाट
would be entry made by parent for losses, profit losses and dividend for each of subsidiary if investment carried by cost. Cost के through हो तो entry यहाँ क्या pass होगा. अच्छा जी, अब बी पार्ट करना है इसका. बी में क्या एंट्री होनी है जी? डिविडेंड की एंट्री होगी ना. प्रॉफिट की होनी है. कास्ट मेथड के थ्रू आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताना का प्रॉफिट की होगी ना लॉस की होगी, सिर्फ डिविडेंड की एंट्री होगी. इसमें डिविडेंड पे किया है फर्स्ट ईयर में 15,000 का, उसकी आना इंटरेस्ट कितना 90% के हिसाब से करनी है 80%. और नेक्स्ट इसने पे किया है जी 19,000 10,000. इसने दोनों बहुत सॉरी, ये जरोम ने कोई डिविडेंड पे नहीं किया, तो इसलिए हम दो इसकी एंट्रियाँ करेंगे, 1966 की और एक 1967. अच्छा जी, बी है इसमें जनरल एंड इन्वेस्टमेंट बाय कास्ट मेथड. अच्छा जी, कास्ट मेथड के थ्रू क्या क्या एंट्री पास होगी? सबसे पहले डिविडेंड की होगी जी. ये जो डिविडेंड पे किया है फर्स्ट पे 15,000 1966 की, क्या एंट्री पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन हार्पर कंपनी स्टॉक. कितने से जी? 15,000 डिविडेंड है. ऑनरशिप इंटरेस्ट कितना जी? 80% लेंगे 15,000, तो 12,000. 15 का 80 12. अच्छा जी, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? 1967 की, वो भी डिविडेंड पे किया, तो एक कंपनी ने अभी तक पे किया. फर्स्ट एंट्री ये हमने पास कर दी. अब नेक्स्ट दे दें डिविडेंड, 1967 में पे किया 10,000, तो इसने तो कोई भी नहीं पे किया, तो एक ही एंट्री होगी जी. 1967 में भी सेम एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट हार्बर कंपनी स्टॉक. कितना है जी? 10,000, इसका 80%, 8,000, इसका 80%, 8,000. अच्छा जी, ये होगी हमारी बी रिक्वायरमेंट. अब सी में कहता है जी इन्वेस्टमेंट. सी में क्या कह रहे हैं? व्हाट अबाउट एंट्री मेड इन इन्वेस्टमेंट कैरिड बाय इक्विटी मेथड. अच्छा जी, अब इक्विटी मेथड करना है. अच्छा, एक बात इसमें और, आप इसको डिविडेंड इनकम भी लिख सकते हैं. इस एंट्री को आपने डिविडेंड इनकम के नाम से भी लिखा. इसको भी अब बार चैप्टर 11 में आप ऐसे इन्वेस्टमेंट इन हार्बर कंपनी स्टॉक, लेकिन चैप्टर 12 में डिविडेंड इनकम के नाम से रिकॉर्ड करना है. बुक की रिक्वायरमेंट ये है, तो आप बेहतर है कि डिविडेंड इनकम के नाम से रिकॉर्ड करें. ठीक हो गया जी. अच्छा जी, सबसे पहले जी इसमें डिविडेंड है, पहले सबसे पहले डिविडेंड आता है, तो डिविडेंड की रिकॉर्डिंग करेंगे. डिविडेंड आ गया 15,
कैश अकाउंट डेबिट और डिविडेंड इनकम कितने से जी? 15,000 है इसका 80%, ये ऊपर 12,000 था। 12,000 अच्छा जी, नेक्स्ट क्या फाइंड कर लें इसमें जी? इन्वेस्टमेंट उसके बाद जी नेट इनकम। नेट इनकम की क्या आंटी? इन्वेस्टमेंट इन हार्बर कंपनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट इन हार्बर कंपनी स्टॉक उस तो बाद रिटेन अर्निंग करेंगे। अच्छा जी, इनकम कितने से जी? नेट इनकम 10,000 है, सॉरी 40,000 है। अच्छा 40,000 का जी लेंगे 80%, तो ये 32,000, 8×4=32, 32,000 है। अच्छा जी नेक्स्ट, अब हम लेंगे इसकी जरोम की भी लेंगे क्योंकि उसने भी नेट इनकम उसकी भी है 15,000। सेम एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट इन जरोम कंपनी स्टॉक और रिटेन अर्निंग, शॉर्ट एब्रिविएशन यूज करना। वो कितने थे जी? 15,000। हाँ 15,000, 15,000 का 90%, सॉरी 13,500, इसकी भी 13,500। अच्छा जी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी जी? नेक्स्ट एंट्री है डिविडेंड पे करने की, 10,000 जो उसने पे किया 1967 में। ये दोनों एंट्रियाँ 1966 की थी, यहाँ से 1966 था, अब 1967 है। इसमें क्या क्या एंट्री पास होगी? सबसे पहले डिविडेंड है, कैश अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट। कितना है जी? 10,000, 10,000 का 80%, 8,000, और इसका भी 8,000। नेक्स्ट इसमें जी, नेक्स्ट इसमें लॉस आ रहा है हार्पर का, तो लॉस की एंट्री क्या होती है जी? रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन हार्पर कितने से जी? 10,000, 10,000 का 80%, 8,000, और इसका भी 8,000। अच्छा जी नेक्स्ट, नेक्स्ट जी दूसरी की, दूसरी कंपनी को नेट इनकम है 20,000, ये लॉस था और ये इनकम है 20,000 जेरोम कंपनी की। तो इनकम है तो एंट्री हो इन्वेस्टमेंट इन जेरोम कंपनी स्टॉक और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। कितने? 20,000 है इसका 90%, 18,000, और इसका भी 18,000।
तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह।